व्हाट्सअप, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नीरज के एक्सपेरिमेंट में। तो गाइस आज हम बनाने वाले जाल लाइट दिवाली आ रही है इसके लिए, और 3 in 1 है मेरे अंदाज से, शायद यूट्यूब पे पहली बार है और 3 in 1 गाइस सोचो। तो गाइस ये हम बनाने वाले और 60 से 70 रुपए पे बन जाएंगी, ठीक है। तो वीडियो का हम स्टार्ट करने वाले, लेकिन गाइस उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही बनता है, ठीक है, और मेरी स्टडी है नीरज के एक्सपेरिमेंट, तो ठीक है उसे भी फॉलो कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट कर। तो गाइस ये हमारा स्टेप 1 है, तो हमें चाहिए ऐसी ऐसी तैसी वैसी वायर, मतलब कि हमें इसमें पतली वायर का यूज़ करना है। तो मेरे पास बहुत पतली वायर तो नहीं थी, लेकिन थोड़ी बहुत पतली थी, ये मुझे मार्केट से मिली है 10 रुपये मीटर में, और ये मेरे पास 6 रुपये मीटर पे है, ठीक है, 6 रुपये मीटर पे नहीं गाइस, सॉरी 6 मीटर है। तो अब भी गाइस इसमें मैंने थोड़ा बहुत कट लगा दिया, मतलब कि मेरे पास 6 LED का यूज़ करने वाला हूँ। इसमें मैं इसका डिस्टेंस, मतलब कि 1 by 1 नहीं डिस्टेंस, हाँ, तो मैं इसमें 1 meter 1 meter 1 meter, ठीक है, इस टाइप से रखने वाला हूँ, मतलब कि हमारे 6 की 6 LED आसानी से रह जाएंगी। तो इधर मैंने इस टाइप से कट लगा दिए हैं। अब गाइस हमें इसमें कनेक्शन में आपको समझाता हूँ। तो गाइस कनेक्शन बिल्कुल ईजी है, ठीक है, कोई छोटा बच्चा भी इसे बना लेगा, मतलब कि हमें इसमें कुछ नहीं करना, जो एक वायर है उसमें प्लस 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 प्लस, मतलब कि 6 बार मैंने प्लस बोल दिया, मतलब कि मेरे पास 6 LED है, और माइनस 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 माइनस, मतलब कि इसको भी 6 बार बोल दिया भाई, वाह। तो हमें कुछ नहीं करना, प्लस 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 और माइनस माइनस माइनस, इस टाइप से हमारी LED को कनेक्ट करना है, मतलब कि हमें इसे सीरीज में नहीं कनेक्ट करना, हमें इसको क्या बोलते हैं उसको पैरेलल, हाँ पैरेलल में कनेक्ट करना है, मतलब कि हमें वाईफाई से कनेक्ट नहीं करना, इसको वायर के साथ कनेक्ट करना। तो गैस मैं इसमें सोल्डरिंग आयरन का यूज़ नहीं करने वाला हूँ, और इसमें मैं सोल्डरिंग आयरन का यूज़ नहीं करूँगा। और दूसरी बात गैस, जो इसमें क्या बोलते हैं इसको, हाँ सेलो टेप, गैस मैं बहुत भूल जाता हूँ, तो मैं इसमें सेलो टेप का यूज़ करूँगा। तो जो जहाँ पर भी हमने वहाँ LED लगाएंगे, वहाँ पे मैं सेलो टेप लगा दूंगा, जिससे कि क्या होगा कि शॉर्ट सर्किट, मतलब कि हमारे दोनों वायर है वो टकरा नहीं जाएंगे आसपास में। देखिए सही, LED को एक साथ कनेक्ट कर दिया है, तो अब मैंने 2 वायर भी निकाल दिए है। एंड गाइस मैं अभी बैटरी से आपको चला के दिखाता हूँ। तो देखो भाई, ये मेरे पास मल्टी LED थी, आप RGB का यूज़ कर सकते हो, RGB में 3 कलर हो गए, और इसमें मल्टी, मतलब कि जितने कलर हो गए उतने हो ही जाएंगे आज, सॉरी मल्टी में भी बहुत सारे अलग अलग कलर आते हैं, ठीक है, थीके? तो मैं इसको आपको नाइट में दिखाता हूँ, है ना भाई, चाइना की छुट्टी कर दी ना इसने, क्या लग रही है नहीं। तो वैसे तो बहुत अच्छी मुझे लग रही है, आप देख सकते हैं मैंने इसको लाइन में लगा के रखी है, मतलब ये चाइना की छुट्टी तो कर ही देगा, मेड इन इंडिया है भाई। तो अभी आते हैं हम स्टेप 2 पे। तो स्टेप 2 में मैं इसी जालर का यूज़ करने वाला हूँ, मतलब कि इसमें थोड़ी एडवांस लगेंगी, मतलब कि इसमें हम यूज़ करने वाला ढक्कन है, मतलब कि गाइस तीनों के तीनों स्टेप है वो मैंने आपको लाइन में बताने वाला हूँ, मतलब कि आप पहला स्टेप ऐसे भी रख सकते हो, दूसरा स्टेप है वो दूसरे दिन, और तीसरा स्टेप तीसरे दिन, इस टाइप से। और गाइस स्टेप बदलने में आपको सिर्फ 15 मिनट या 5 मिनट लगेगी। तो मैंने इधर सोल्डरिंग आयरन का यूज़ किया गाइस, आप देख सकते हैं इस टाइप से मैं फिनिशिंग दे रहा हूँ, और सोल्डरिंग आयरन से मैंने इसमें छेद कर दिया, मतलब कि हमारी LED आ जाए उतना, हमें LED को फिक्स रखना है, या फिर क्या होगा कि ढीला रह जाएगा, तो फिर हमें करना पड़ेगा फेविकॉल, नहीं फेविकिक का यूज़, या फिर सेलो टेप का, मतलब कि गाइस बिल्कुल ईजीली और सस्ती LED है, ठीक है, ये LED मुझे पड़ी है 70 रुपये पे, ठीक है 70 रुपये पे, 17 रुपये पे। तो इधर मैं अभी इसकी फिनिशिंग दे रहा हूँ, जो हमारा ढक्कन है, बस फिनिशिंग देनी वैसे तो बहुत नहीं है, लेकिन गैस मैं फिनिशिंग इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमारी जो LED है वो सीधी रहे, वरना क्या होगा टेढ़ी मेढ़ी रहेंगे तो लाइट
अच्छी तरीके से नहीं होगी, ठीक है। और गैस मैंने इसमें दो पीले का यूज़ किया है, मतलब कि गैस पीले ढक्कन का, तो पीले ढक्कन का यूज़ क्यों किया है, तो हम हमेशा तो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते, कभी कभार पी लेते हो, तो इसलिए मेरे पास चार वाइट और दो येलो थे, इसलिए अगर ऐसा कुछ हो गया, वरना तो मैं सारे के सारे वाइट ही रखता। और गैस आप वाइट ही रखना या फिर सारे के सारे पीले रखना। तो गैस बहुत सारे लोगों में मन में ऐसा होगा कि मैं जो ये लाइट बना रहा हूँ क्या वो काम करेगी, तो गैस बिल्कुल 100% वो काम करेंगी, ठीक है। तो इसका आप अब देख के आपको ऐसा लगेगा कि क्या ये कुछ वो क्या बोलते हैं बॉल, हाँ बॉल टाइप है, जो हम चाइना की लाइट लाते हैं उसमें बॉल टाइप लाइट आती है, तो ये कुछ उस टाइप से है, मतलब कि इसमें हम जो लाइट इसकी जलाएंगे तो हमारे ढक्कन है वो पूरे के पूरे गोल गोल, मतलब कि उसमें पूरे के पूरे ढक्कन में लाइट आ जाएगी, ठीक है। हमें ऐसा लगेगा कि इतनी बड़ी लाइट है। हाँ तो अब गैस मैं इसको चार्जर से चला रहा हूँ, तो आप गैस बैटरी से मत चलाना, चार्जर से ही चलाना, मतलब कि गैस क्या होगा कि चार्जर से पूरी रात हम चला सकते हैं, लेकिन बैटरी से क्या होगा कि घंटा, बस 1 घंटा ही चलेगा चार्जिंग। तो आप देख सकते हो भाई साहब क्या लुक है, आप देख सकते हो डिस्को लाइट बन गई एक जैसे। तो मैंने आपको कहा था कि पूरे के पूरे ढक्कन में लाइट होगी, तो ये कुछ ऐसे ही हो रहा है। और गैस आप इसे दीवार के सामने रखोगे तो आपको कुछ जो दीवार की डेकोरेट लाइट आती है उस टाइप से हो जाएगा। और गैस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और मेरी इंस्टा आईडी है नीरज के एक्सपेरिमेंट पे 3 बिल्ली आके। तो इसमें हम इसी जालर का यूज़ करने वाले हैं, और ये आपको 2 मिनट में स्टेप 3 कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बोतल मैंने लगा दी इसमें, ठीक है। तो अब सारे के सारे में मैंने बोतल लगा दी, लेकिन उसमें एक काम और किया, उसमें पानी भर दिया, ठीक है। पूरा का पूरा पानी नहीं भरना गैस, थोड़ा बहुत ही हमें पानी भरना है। तो भाई साहब क्या लग रहे हैं, देख सकते हो आप इस टाइप से गैस, मैं इस टाइप से रखने वाला हूँ दिवाली पे हमारे घर की वॉल के ऊपर। गैस दिवाली स्पेशल है, मतलब कि दिवाली के लिए ही बनाई है ये लाइट। और गैस मैं एक शायद एक और लाइट का बना दूंगा वीडियो, तो वो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गैस ये नाइट पे, मतलब कि नाइट में मैंने जलाई इसको। तो गैस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।